आकाशवाणी है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के प्रसारण श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और द्वारम सत्यनारायण राव की वायलिन पर जुगलबंदी सुनवा रहे हैं। ये कार्यक्रम आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विगत 28 सितंबर 2013 को रायपुर में आयोजित किया गया था। आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और द्वारम सत्यनारायण राव का जन्म संगीतज्ञ परिवार में हुआ। आप सुप्रसिद्ध वायलिन वादक स्वर्गीय द्वारम नरसिंगा राव के सुपुत्र हैं। द्वारम दुर्गा प्रसाद राव ने बाल्यकाल से ही वायलिन वादन अपने दादाजी के भाई पद्मश्री संगीत कला निधि स्वर्गीय द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, दादाजी वेंकट कृष्णैया और पिता द्वारम नरसिंगा राव के मार्गदर्शन में सीखा। द्वारम दुर्गा प्रसाद राव महाराजा शासकीय संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय विजयनगरम के प्राचार्य रह चुके हैं। आप इंग्लैंड और आयरलैंड में वायलिन वादन और संगीत पर व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं। आपके भाई द्वारम सत्यनारायण राव ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी बहन स्वर्गीय रामना कुमारी, भाई द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और कुमारी द्वारम मंगा थायारू से ग्रहण की। आप आकाशवाणी हैदराबाद में विभागीय वायलिन वादक के पद पर कार्यरत रहे हैं। अमेरिका और देश की अनेक प्रतिष्ठित सभाओं में आप वायलिन के मधुर स्वर बिखेर चुके हैं। नाद की शुद्धता, श्रुति और रागों के भाव पक्ष में विशेष रूप से दक्ष द्वारम बंधुओं ने अपने वायलिन वादन के विशिष्टता के लिए कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं मृदंगम पर वी कमलाकर राव और घटम पर एम हरिबाबू। 6 जून 1936 को संगीतज्ञ परिवार में जन्मे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार वी कमलाकर राव ने 5 वर्ष की उम्र से ही मृदंगम की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात आपने राजमुंद्री के स्वर्गीय वाराणसी यज्ञ नारायण शास्त्री से मृदंगम वादन सीखा। बाद में पद्म विभूषण पालघाट टी.एस. मणि अय्यर से आपने मृदंगम पर तालों की बारीकियां सीखी। वी कमलाकर राव की कला साधना को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार घटम वादक एम हरिबाबू का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली में एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ परिवार में हुआ। घटम वादन की प्रारंभिक शिक्षा आपने अपने गुरु मृदंगम के विद्वान श्री महादेवू लक्ष्मी नारायण राजू के मार्गदर्शन में गुरुकुल पद्धति में प्राप्त की। द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और द्वारम सत्यनारायण राव वायलिन पर पहले प्रस्तुत कर रहे हैं राग बंगाला में त्याग राजा की कृति जो आदिताल में निबद्ध है। This is All India Radio. In tonight's broadcast of Akashvani Sangeet Sammelan Concerts, we bring you a violin duet recital by Dwaram Durga Prasad Rao and Dwaram Satyanarayan Rao. This program was held before an invited audience at Raipur on 28 September 2013. Dwaram brothers, as they are known, are the sons of famous violinist and guru late Dwaram Narasingha Rao and grandnephews of the great Vidwan Padma Shri Sangeet Kalanidhi late Dwaram Venkateswami Naidu. Dwaram Durga Prasad was initiated into Carnatic music on the violin at the age of 4 by his grandfather Venkata Krishnaiya and under the tutelage of his father Narasingha Rao Naidu. He is a top-ranking artist of Akashvani and rendered solo performances for the South Zone and the National Hookup Performances of All India Radio and Doordarshan, besides participating in Sangeet Sammelans. He retired as a principal of Maharaja Government College of Music and Dance, Vijayanagaram. His brother, Dwaram Satyanarayan Rao, learned from his sister, late Ramana Kumari, brother Dwaram Durga Prasad Rao, and aunt Kumari Dwaram Mangathayaru. He retired recently as a staff violinist of Akashvani Hyderabad. The Dwaram brothers are popular representatives of the classical Dwaram school of violin, solo playing,
which stresses purity of nada, shruti and vrekha bhavam. In today's broadcast, the Dwaram brothers are accompanied on the mridangam by V. Kamalakar Rao and on the khatam by M. Hari Babu. Born on 6 June 1936 in the family of musicians, V. Kamalakar Rao is a top-grade artist of All India Radio. He started his training with late Varanasi Yagna Narayan Shastri of Rajamundri, who is from the family of mridangam exponents. From the age of 13, Kamalakar learned under mridangam wizard Padma Vibhushan Palghat T.S. Mani Iyer in Palghat and Tanjavur. He has been bestowed with lots of awards and title, including the Sangeet Natak Academy Award. M. Hari Babu was born in a musical family at Tenali in Guntur district of Andhra Pradesh on 26 December 1970. He became a disciple of mridangam maestro Mahadevu Lakshmi Narayan Raju at Vijayawada and started learning ghatam in Gurukul system from the year 1992 onwards. Dwaram Durga Prasad Rao and Dwaram Satya Narayan Rao begins their violin recital with a composition of Tyagraja in the rag Bangala set to Adi Tal. बंगाला में ये थी त्यागराजा की कृति। द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और द्वारम सत्यनारायण राव वायलिन पर अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग रेव गुप्ती में
मुक्त स्वामी दीक्षितार की रचना जो रूपकम ताल में निबद्ध है। That was राग बंगाला, a composition of त्यागराजा set to आदिताल। You will now listen to a composition of मुत्थुस्वामी दीक्षितार in the राग रेवोगुप्ती set to रूपकम ताल। Thank you.
थी राग रेवगुप्ती में मुक्तस्वामी दीक्षितार की रचना। द्वारम बंधु से वायलिन पर अब सुनते हैं राग वागदीश्वरी में त्यागराजा की रचना, जो आदिताल में निबद्ध है। That was a composition of Muthuswami Dikshitar in the rag Revagupti, set to Rupakam Taal. Now listen to a composition of Tyagaraja in the rag Vagadeshwari, set to Aditaal. Thank you.
थी राग वागदेश्वरी में त्यागराजा की रचना। अब सुनते हैं राग सरसांगी में रामस्वामी सिवन की कृति जो खंड चापू ताल में निबद्ध है। That was a composition of त्यागराजा in the राग वागदेश्वरी set to आदि ताल। Continuing their violin recital, द्वारम दुर्गा प्रसाद राव एंड द्वारम सत्यनारायण राव विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल। Thank you.
राग सरसांगी में ये थी रामस्वामी सिवन की कृति। द्वारम बंधु वायलिन पर अब पेश कर रहे हैं राग चिंतामणि में श्यामा शास्त्री की रचना जो आदिताल में निबद्ध है। That was a composition of Ramaswami Sivan in Rag Sarasangi set to Khanda Chaputal. Now listen to a composition of Shyama Shastri in the Rag Chintamani set to Aditaal.
राग चिंतामणि में अभी आप सुन रहे थे श्यामा शास्त्री की रचना, द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और द्वारम सत्यनारायण राव अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग कापी में त्याग राजा की कृति, जो आदि ताल में निबद्ध है, जिसमें आप मृदंगम और खटम पर तनियावर्तनम भी सुनेंगे। That was a composition of Shyama Shastri in the rag Chintamani set to Aditaal. Dwaram Brothers now present Tyagaraja's composition in rag Kapi. Composition is set to Aditaal followed by Taniyavartanam. Thank you.
Thank you.
Thank you.
त्याग कापी में त्याग राजा की रचना के बाद तनिया वर्तनम अभी आप सुन रहे थे। द्वारम बंधु अपनी प्रस्तुति का समापन राग यमुना कल्याणी से कर रहे हैं। व्यासा राया की रचना मिश्र चापुताल में निबद्ध है। You have just heard Tyagaraja's composition on Rag Kapi, followed by Taniya Vartanam, played on the Mridangam by P. Kamalakar Rao and Khattam by M. Hari Babu. Dwaram Durga Prasad Rao and Dwaram Satyanarayan Rao conclude their violin recital with a composition of Vyasa Raya in Rag Yamuna Kalyani, set to Mishra Chapu Tal.
राग यमुना कल्याणी में ये थी व्यासा राया की रचना। इसके साथ ही आकाशवाणी संगीत सम्मेलन की श्रृंखला में द्वारम दुर्गा प्रसाद राव और द्वारम सत्यनारायण राव का वायलिन वादन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे मृदंगम पर वी कमलाकर राव और घटम पर एम हरिबाबू। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। That was a composition of Vyasaraya in the rag Yamuna Kalyani. With that, we conclude the violin duet recital by Dwaram Durga Prasad Rao and Dwaram Satyanarayan Rao in the broadcast of Akashwani Sangeet Sammelan concerts. They were accompanied on the mridangam by V. Kamlakar Rao and on the